हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए आज हम बनाते हैं बहुत टेस्टी सा नाश्ता। और आज है संडे, तो चलिए संडे स्पेशल में बनेगा आज नाश्ता। तो ये हमने ले लिया है गेहूँ का आटा। अब इसमें डालेंगे हम नमक। तो ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक, और इसके साथ में जाएगा 1/2 चम्मच लाल मिर्ची का, और फिर आइए इसमें साथ में धनिया पाउडर, आधी मिर्च, एक बार गरम मसाला, और ये डाल रहे हैं हरी मेथी क्रश करके अच्छे तरीके से। तो ये मसाला पूड़ी नहीं बन रही, अभी बताते हैं आपको। हर घर की ये फेवरेट है, और इसे अच्छी तरीके से लगा लेना है पानी डालना के। तो ये देखिए, और इसमें डाल देंगे अजवाइन। तो ये मैं डाल रही हूँ चुटकी भर अजवाइन भी। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा सा हम आटा लगा के कर देंगे तैयार। और ना टाइट लगाना है ना ही ढीला आटा लगाना है, थोड़ा सा मीडियम ही लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से आटा लगा लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा आटा लग गया। अब इसको हम ढक के 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए आलू की स्टफिंग बनाएंगे हम। और आटा जब तक सेट होता है, चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। आलू छील के इन्हें हम मसाला बनाएंगे। चलिए कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो ये 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं है, और बच्चों के लिए भी बना रहे हैं हम नाश्ता। तो ये 1 से 1.5 चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर, गरम मसाला, और उसके साथ ही मैं डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, ठीक है। और इसके बाद में हल्का सा हल्दी भी डाल देंगे चुटकी भर, और इसमें डालेंगे हरी मिर्चे, और ये डाल देंगे 1/2 चम्मच सौंफ का, ये 1 डाल देंगे हरी मिर्ची, इसे मैं तो मोटा मोटा काटा क्योंकि बच्चों के लिए बनना है नाश्ता। तो इसके अकॉर्डिंग डाल देंगे नमक, क्योंकि हमने आटे में भी अच्छा नमक डाला है, तो इसमें हम थोड़ा कम ही डालेंगे। और साथ में डाल देंगे इसमें चुटकी भर कसूरी मेथी, और ये स्टफिंग बहुत अच्छी लगती है। इसे आप बना सकते हैं समोसे और कचौड़ी। देखिए अच्छे से स्टफिंग बना के रख लिया। आपको बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं रखनी, और हाथ से ही कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कद्दूकस का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये स्टफिंग बहुत अच्छी बन के हो गया हमारे तैयार, बिल्कुल लग रहा है आटे की तरह। इसी से आप टिक्की भी बना सकते हैं। देखिए आटा भी हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया। तो चलिए 1 से 2 मिनट इसको और अच्छी तरीके से हम मल लेते हैं, और ये बहुत अच्छी सी बाहर की बन के हो जाएगी तैयार परत। चलिए हमने ले लिया है सूखा आटा, चलिए बनाते हैं। तो देखिए हम लेंगे 1 बहुत अच्छी सी लोई, तो ये लोई बना लेंगे इस तरीके से। और लोई बनाने के बाद में इसको इस तरीके से किनारों से पतला और बीच में मोटा रखेंगे, ताकि ये हमारी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर ना निकले। और ये देखिए इस कटोरी की शेप की हो गई है, देखिए। चलिए इसके छोटे छोटे से बाउल्स बनाकर रख लेते हैं, ताकि भरने में आसानी रहे। ये देखिए इस तरीके से बहुत अच्छी सी बन गई है, देखिए तैयार हो जाएगी इस तरीके से। चलिए ये बीच में रख देते हैं, और इस तरीके से इसको चारों तरफ से अंगूठे से अंदर करते जाएंगे स्टफिंग, और ये बाहर से इसको इस तरीके से करते जाएंगे। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी सी बन के तैयार होगी। ये थोड़ा सा इस तरीके से हाथों से हम प्रेस कर देंगे इसको, देखिए। अब इसे बेल लेते हैं। देखिए बिल्कुल हल्के हाथ से हमें इसे बेलना है, बिल्कुल रोटी की तरह, जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं। और देखिए बिल्कुल भी नहीं पकती। तो जी हाँ, ये हम बना रहे हैं आलू का पराठा, और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और देखिए बिल्कुल पतला बना रहा हमने, और बिल्कुल भी स्टफिंग कहीं से भी नहीं निकली। दोनों तरफ से आपको दिखा देते हैं, देखिए कितना अच्छा ये बन के तैयार हो गया। चलिए इसे सेक लेते हैं। ये देखिए ये हमने तवा अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे पराठा, और ये देखिए ये निशानी होती है कितने अच्छे तरीके से इसमें
बबल से आ रहे हैं, तो इसे अब हम टर्न कर देंगे। तो देखना, ये देखिए बिल्कुल कट नहीं किया हमने, ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है। चलिए बहुत अच्छी तरीके से सिक रहा है। और इसे हम एक तरफ से ऑयल लगा देंगे और इसे अब हम दूसरी तरफ से सेकेंगे। ये देखिए दूसरी तरफ से ये कितनी अच्छी तरीके से कलर आ गया है। और इसमें हम ऑयल लगा देंगे। यहाँ पे चाहे आप बटर भी लगा सकते हैं, पर हमारे यहाँ पर ऊपर से बच्चे घी रख के खाना प्रेफर करते हैं, तो इसे हम टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक गया है। चलिए सिक चुका है, अब इसे हम सर्व कर देते हैं। चलिए देखिए ये इस पर रख देंगे हम खूब सारा घी। और अभी हम लगाएंगे इसको भोग ठाकुर जी के लिए, क्योंकि पहले ही रोटी हमारी ठाकुर जी को जाती है। तो और इसके साथ में रख दिया हमने दही। देर करते हैं।